नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है जी हेल्प के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम यहाँ पर एक बहुत ही खास सेशन के अंदर जो है, जनरली हम यहाँ पर आपके समक्ष जो है वो आते हैं किसी न किसी मुद्दे को लेकर के, लेकिन आज हमारे साथ एक विद्यार्थी हैं। कल ही स्कूल लेक्चरर एग्जाम का रिजल्ट आया, स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2022 जो है उसकी प्रोविजनल लिस्ट आई, और जिसके अंदर जो है बहुत सारे विद्यार्थियों का चयन हुआ है। उन्हीं में से एक विद्यार्थी जो है यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित है और नाम है मनसुख। हम मनसुख से जो है वो खूब सारी बातें जो करने वाले हैं। सबसे पहले मैं मनसुख से जो है वो चाहूँगा कि वो अपना संक्षिप्त परिचय जो है वो दें। सर, मेरा नाम मनसुख है और मैं सूरतगढ़ का ही निवासी हूँ, और मैंने आपके यहाँ पे लेक्चरर की प्रेपरेशन की, आपके गाइडेंस, आपके टेस्ट सीरीज और शेड्यूल के बदौलत ही मैं आज इस मुकाम पर पहुँच पाया हूँ। थैंक यू मनसुख। मनसुख, सबसे पहले जो है हम यहाँ पर ये याद रखें कि इंटरव्यू का मकसद जो है वो विद्यार्थियों को वो सूचनाएं देना है, ठीक है, जो विद्यार्थी स्कूल लेक्चरर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को ये बताने का प्रयास करना है कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी करें कि आप अपनी सफलता को, अपने सिलेक्शन को, अपने चयन को जो सुनिश्चित कर सकें। सबसे पहले मैं आपसे जो है वो पूछना चाहूँगा कि आप अपनी सफलता के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो है वो किसको जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे इसको जो है, अपने टीचर्स के अलावा जो है। सर, मैं अपने पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा जिन्होंने मुझे हमेशा मोरल सपोर्ट दिया, और उसके अलावा आपका ही है गाइडेंस है प्रॉपर, जिनके बदौलत के सब पॉसिबल हो पाया। थैंक यू मनसुख। और निश्चित तौर पर जो है आपने जो मुकाम हासिल किया है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और आप हमारे दर्शकों को जो है वो बताएंगे कि लगभग कितने मार्क्स जो हैं आपके वो अभी आरपीएससी के द्वारा बताई गई प्रोविजनल कट ऑफ से आपके ऊपर हैं। लगभग सर, प्रोविजनल जो अभी मेरिट आई है ओबीसी की 7, उससे लगभग 50 मार्क्स ज़्यादा है मेरे। क्या 50 मार्क्स जो है वो आपके ज़्यादा हैं? बहुत ज़्यादा शानदार जो है आपकी परफॉर्मेंस। आप राजस्थान में अपनी रैंक को कहाँ जो है वो देखते हो? सर, मैं इसका बेहतर आंसर तो आप ही दे सकते हो, बाकी लगभग सर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अराउंड 20 तो चाहिए। यस, आपका जो अनुमान जो है वो लगभग करेक्ट है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मार्क्स जो हैं आपके कहीं ना कहीं आपको रैंक 10 के अंदर भी जो वो ला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से जो है जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक जो है उसके बाद में अचानक से जो है वो मार्क्स बहुत ज़्यादा जो वो गिरते हैं। अगर हम पहले, दूसरे और तीसरे विद्यार्थी को जो छोड़ दें, पहला विद्यार्थी भी जी हेल्प से है, दूसरा विद्यार्थी जी हेल्प से नहीं है, तीसरा विद्यार्थी जो वो जी हेल्प से है, यदि इन तीन विद्यार्थियों को मैं छोड़ दूँ तो मार्क्स जो है वो अचानक से जो है वो 10-12 नंबर जो वो नीचे आ जाते हैं, 10-12 मार्क्स जो वो नीचे आ जाते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप 10 के आसपास कहीं ना कहीं जरूर स्टैंड करेंगे, और हो भी सकता है कि आप 10 से नीचे भी जो हो आपकी रैंक जो आए। मनसुख, एक सवाल जो है जो मैं आपसे करना चाहूँगा, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि यहाँ पर इस इंटरव्यू को देखने वाले जितने भी दर्शक जो हैं उनको इस इंटरव्यू के माध्यम से जानकारी मिले, उनको सहायता मिले, आप अपनी तैयारी के विषय में जो है वो बताएंगे किस तरीके से आपने तैयारी की, खास करके जो है वो किस तरह की बुक्स जो आपने पढ़ी। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सेकंड पेपर की, इंग्लिश की जो है वो बात करते हैं, तो आप बताएं शुरू से लेकर अंत तक आपके द्वारा जो तैयारी की गई थी वो किस तरह जो वो रही। सर, मैंने ग्रामर के लिए मैंने आपके नोट्स प्रेफर किए सबसे पहले तो, और उसके बाद मैंने रैनन मार्टिन, एप्टीवुड, इसके अलावा थॉमसन एंड मार्टिन इन ये बुक्स पढ़ी थी, और लिटरेचर के लिए आपके नोट्स, इसके अलावा मैंने ओरिजिनल टेक्स्ट को प्रेफर किया था, और साइकोलॉजी के लिए मैंने लकी आहूजा की बुक और उनकी क्लासेज अटेंड की जो आपके द्वारा चलाई। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये कई बार सवाल करते हैं कि क्लासेस और टेस्ट जो हैं जी हेल्प के जो हैं उनमें टेस्ट सीरीज जो है वो सर्वश्रेष्ठ हैं, और क्लासेस भी हमारी जो अपने आप में जो उनकी कंसिस्टेंसी या एक तरीके से नियमितता जो है अगर ये कहेंगे तो शानदार तरीके से जो चलती है, आपको क्या लगता है कि किसी एक के द्वारा सिलेक्शन पॉसिबल है? नो सर, एक के द्वारा तो नहीं होता, क्योंकि जैसा आप पढ़ाते हो आपको एक्सपीरियंस है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वो ज़्यादा प्रॉपर गाइडेंस आप दे पाते हो। मैंने आपकी ऑनलाइन क्लासेज भी अटेंड की थी, और टेस्ट सीरीज में रेगुलर आपके टेस्ट सीरीज और शेड्यूल को ऑनेस्टली
जी, यहाँ बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो बहुत कम मार्क्स से जो है वो रह गए होंगे, या कुछ ऐसे भी होंगे जो सिर्फ प्रोविजनल में सेलेक्ट हुए हैं और फाइनल में जो है वो सेलेक्ट ना हो पाए। ऐसे बच्चे जो तैयार तो हैं, जिन्होंने काम तो अपना कर रखा है, ऐसे बच्चों को आप क्या राय जो है वो देना चाहेंगे? सर, मेरा ये मानना है कि आपको इंग्लिश के साथ साथ फर्स्ट पेपर की तैयारी भी बहुत अच्छे से करनी चाहिए। मैंने जैसे जैसे इंग्लिश को जितना प्रॉपर टाइम दिया था, उतना ही मैंने फर्स्ट पेपर को भी इम्पोर्टेंस दी, और ये कहीं ना कहीं फर्स्ट पेपर का ही ये एक योगदान है कि मेरे नंबर इतने ज़्यादा हैं। फर्स्ट पेपर जो है उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके ऊपर काम करना। और ये मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों को जो कहता हूँ कि आप किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके, फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट के फोकस करके है ना, आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। आपका काम जो है वो बैलेंस्ड जो है वो रहना चाहिए। आपको दोनों में जो है वो इक्वली जो है मेहनत करनी पड़ेगी, दोनों में इक्वली काम जो है वो करना पड़ेगा। मनसुख, एक चीज़ और जो है वो मैं आपसे जो है वो पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो न तो फर्स्ट ग्रेड में सेलेक्ट हो रहे हैं, न सेकेंड ग्रेड में सेलेक्ट हो रहे हैं, न थर्ड ग्रेड में सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है कि क्या जो है वो कमी रह गई होगी? हर विद्यार्थी अपने लेवल पे तैयारी करता है, हर विद्यार्थी जो है अपने तरीके से मेहनत करता है। ऐसे बच्चों को जो है आप क्या संदेश जो वो देना चाहेंगे तैयारी से रिलेटेड, आप क्या उनको जैसा बताना? मैंने देखा है कि हमारे यहाँ जैसी तैयारी होती है ना, वैसा कोई भी तैयारी नहीं करवाता। जैसे मैं एग्जाम देने के लिए सीखकर जयपुर गया था, बहुत से कोचिंग सेंटर ओनली पढ़ाने पे उनका मेन फोकस रहता है। अपने इस कोचिंग सेंटर में मैंने देखा है कि जिस तरह से आपकी स्ट्रेटेजी रहती है, फर्स्ट डे बच्चा आता है तो उसको एक शेड्यूल मिल जाता है जिसको खुद को फॉलो करना है, साथ में आपकी गाइडेंस रहती है। तो जिस हिसाब से आप तैयारी करवा रहे हो, शेड्यूल प्लस टेस्ट सीरीज, नहीं वो तो सिर्फ हमारे संस्थान की बात है। हम ऐसे बच्चों के लिए क्या मैसेज जो आपका रहता होगा, क्या कमी रहती होगी उनकी जो? सर, मेरे ख्याल से उनकी प्रैक्टिस नहीं होती। प्रैक्टिस नहीं, बिल्कुल सही पकड़ा आपने जो है। अब एक होनहार विद्यार्थी हैं, ऐसे विद्यार्थी जो बार बार जो है कुछ मार्क्स से, कुछ अंकों से जो वो रह जाते हैं, उनका अभ्यास जो है वो पूरा नहीं हो पाता है, उनकी प्रैक्टिस जो अच्छे से नहीं हो पाती है, और इसीलिए वो जो है चयनित जो वो नहीं हो पाते हैं। तो अभी भी हमारे साथ बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो है वो जुड़े हुए हैं जो वास्तव में किसी भी एक भर्ती में सेलेक्ट जो वो नहीं हो रहे हैं, और कई ऐसे विद्यार्थी भी जो है वो ग्रेड टू और ग्रेड थ्री में तो सेलेक्ट हो रहे हैं लेकिन ग्रेड फर्स्ट में उनका चयन जो है वो नहीं हो रहा है। अगर जब मैं सेकंड पेपर की बात करूं, बहुत सारे विद्यार्थी जो है उनको लगता है कि जो ड्रामा या नॉवेल्स जो है उनको पूरा कम्प्लीटली जो है वो पढ़ना पड़ता है, या आप समरी पढ़ के या उनको संक्षेप में पढ़ के भी काम चला सकते हैं, या आपने खुद ने ड्रामा और नॉवेल्स जो है वो कितनी बार जो है वो किए? ड्रामा तो सर लगभग आपका, जैसे हमारे यहाँ दो ड्रामा एज यू लाइक इट है, मैकबेथ है, तो हर मंथ हमारे यहाँ पे अपने यहाँ पे ड्रामा हो जाता था टेस्ट सीरीज के थ्रू, और मैंने ओरिजिनल टेक्स्ट ही प्रेफर किया था। इवन नॉवेल्स है, जैसे आपका मैकबेथ है, मेरो कस्टब्रीज है, वो भी हमने ओरिजिनल टेक्स्ट ही पढ़ा, आपने पढ़वाया था और हमने आप जैसा आपने बोला हमने ओरिजिनल टेक्स्ट ही पढ़ा। पढ़ी पार्टी है, यदि कोई बच्चा जो है वो उनकी समरी या संक्षेप में उनको करना चाहे, टेक्स्ट जो है उनको ना पढ़े, तो इज इट पॉसिबल कि वो? नो सर, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर वो उनसे मेरिट वाले क्वेश्चन तो वही होते हैं ना जो टेक्स्ट से बेस्ड होते हैं, डीपली पूछने लगे आजकल, तो टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या आप मेरिट लिस्ट में आ पाओगे? टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन से ही आप जो है वो मेरिट लिस्ट में जो है वो आ पाएंगे। मनसुख, एक सवाल मेरा और जो है वो आपसे, जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं, जब हम चयन की बात करते हैं, जब हम विद्यार्थी के सिलेक्शन को लेकर के जो बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मोटिवेशन और समय समय पर विद्यार्थी का सुपरविजन और गाइडेंस जो है टीचर्स के द्वारा जो है वो, उसका क्या रोल रहता है? बहुत ज़्यादा रोल रहता है। जैसे हमारे यहाँ पे जैसे मेरी क्लास लगती थी तो लगभग क्लास के बाद जो 10 मिनट आप हमको मोटिवेट करते थे, इससे हम खुद इंस्पायर होते थे पढ़ने के लिए। मोटिवेशन का सर बहुत ज़्यादा रोल है, जैसा कि आप हमें अक्सर देते हैं, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बच्चे के लिए। निश्चित तौर पर जो है आपने बिल्कुल सही कहा कि मोटिवेशन जो है उसका बहुत ज़्यादा जो है वो रोल रहता है। और सबसे बड़ी बात जो है, कंपटीशन की तैयारी करते समय जब हम वास्तव में कई बार डिप्रेस हो जाते हैं, कई बार निराश हो जाते हैं, तो उस समय जो है हमारे मोराल जो है उसको बूस्टअप करने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, या जिस
गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ही हेल्प जो है इस मामले में हमेशा जो है ये ध्यान रखता है कि बच्चे जो हैं, हमारे बच्चे जो हैं, वो कभी भी कमी से जो है वो उनको फेस टू फेस ना होना पड़े। अंशुक, एक सवाल और जो है, जो बड़ा जनरल सवाल है, वो सारे लोग जो हैं, अगर जब मैं कुछ लड़कों की बात करूं या कुछ मेल मेंबर्स की बात करूं, उनका ये कहना है कि वो प्राइवेट जॉब में हैं और उनके पास समय जो है वो नहीं निकलता है पढ़ाई को लेकर के। और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जनरली हमारे इस लेवल के ऊपर, जो स्कूल लेक्चरर लेवल पर हाउस वाइफ्स मैं कहूँगा उनको जो है, जिनको घर परिवार भी संभालना होता है ना, तो ऐसे जो वर्किंग मैन हैं या जो वर्किंग वुमेन हैं या वर्किंग वुमेन के साथ साथ हाउस वाइफ भी हैं, ऐसे लोगों को आप क्या सलाह जो देना चाहेंगे, जो ये कहते हैं कि हमें समय जो है वो नहीं मिलता है, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? सर, जैसे हमारा अभी जो लेटेस्ट फर्स्ट ग्रेड जो बेस्ट था, उसमें बहुत सारे जो हमारे जो प्रेपरेशन कर रहे थे बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उन्होंने विद गवर्नमेंट जॉब की के साथ साथ उन्होंने अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू रखा। और ये पॉसिबल है कि आप काम कर रहे हो उसके बावजूद भी आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो और वो लोगों का सिलेक्शन भी। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इट इज़ ऑल अबाउट द मैटर ऑफ विल पावर। ये सारा का सारा विल पावर का जो वो मैटर है। जो भी विद्यार्थी जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, जो भी बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ज़रूरी है काम करना भी उनके लिए ज़रूरी है, और हाउस वाइफ जो हैं आपको अपने घर के जो काम हैं उनको पूरा करना भी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ यदि आपके अंदर विल पावर है, यदि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, तो आप ये काम जो है वो कर सकते हैं। आप इस टास्क को जो है वो ज़रूर जो है वो एक तरीके से जो है वो पूरा कर सकते हैं। एक चीज़ और जो है मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पूरे के पूरे तैयारी के दौरान कब कब ऐसे मौके जो है वो आए आपके समक्ष, जो जब आपको लगा कि मैं शायद पिछड़ जाऊँगा या मेरा चयन नहीं? ये मुझे तब फील हुआ जब एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास आ गए और सारा सिलेबस से रिवाइज नहीं हो पा रहा था, तो लास्ट डे जब आपने फेयरवेल में बुलाया, हमें मोटिवेट किया, उससे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी फील हुई। लास्ट टाइम में सर ऐसा मुझ पर स्ट्रेस फील लग रहा था कि मैं सिलेबस को रिवाइज नहीं कर पा रहा, वो थोड़ा हुआ था, बाकी नहीं हो पाता था। जब आप यहाँ आते थे, आप मोटिवेट करते थे, क्लास टाइम में नहीं होता था, एग्ज़ाम्स के पास ऐसा हुआ था मेरे। अच्छा, एग्ज़ाम के पास ऐसा हुआ था कि आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपने हौसले को टूटते हुए जो है वो आपने जो देखा था कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बट नेचुरल है ये जो है। आप क्या मानते हैं कि जो हमारे मित्र होते हैं, यार दोस्त जो होते हैं, हमारे जो सहपाठी जो होते हैं, उनका कितना रोल रहता है? उनका रोल वो सर पर्सन पर डिपेंड करता है। जैसे कुछ लोग आपको मोटिवेट करने वाले भी होते हैं, कुछ नेगेटिव अपने स्प्रेड करते हैं। मैं तो सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आपको हमेशा जो है वो बूस्टअप करते हैं, जो आपका सपोर्ट सिस्टम बनते हैं। हाँ सर, जैसे मेरे फैमिली मेंबर है और मेरे आसपास जो भी फ्रेंड सर्कल था, किसी एक फ्रेंड का नाम आप इस इंटरव्यू में लेना चाहें जिन्होंने आपको खूब सपोर्ट किया? हाँ सर, एक मेरे साथ हैं, ऐशप्रीत हैं, राघव हैं, काफ़ी बड़ी एसदीप है और मेरे फैमिली मेंबर हैं। आप जितने मर्जी नाम जो है वो बोल सकते हैं, किसी को नाराज नहीं करना है। कल को आपको बोलेंगे मेरा नाम क्यों नहीं लिया आपने। जो एक लास्ट सवाल जो है आपसे जो है वो, जो तैयारी कर रहे हैं इस समय विद्यार्थी स्कूल लेक्चरर एग्जाम की, क्योंकि तो आप टॉपर हैं, आप लगभग 10 के करीब आपकी रैंक जो है वो आने वाली है, आप उनको क्या मैसेज जो है वो देना चाहेंगे? सर, मैं तो उन्हें यही कहना चाहूँगा कि अगर वो अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं तो उनको ऑनेस्टली अपने शेड्यूल को, अपने सिलेबस को फॉलो करना चाहिए और अपने गुरु के प्रति फेथ रखना चाहिए। जो भी वो कह रहे हैं उस शेड्यूल को, जैसा वो पढ़ा रहे हैं उस पर उनको 100% ट्रस्ट करना चाहिए और मेहनत जो है वो उसका कोई मेहनत करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप इस समय बातचीत कर रहे थे मनसुख से और मनसुख ने बताया कि अभी की जो फाइनल कट ऑफ है, प्रोविजनल कट ऑफ है 311, उससे इनके लगभग 50 मार्क्स जो है वो ज़्यादा है, और पूछने पर जो वो इन्होंने बताया कि लगभग जो है वो 10 से 20 के बीच में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि राजस्थान में उनकी रैंक जो है वो आएगी, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि लगभग 10 के आसपास इनका नाम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो हम ईश्वर से दुआ करेंगे कि अंडर 10 रह जाएँ,
और रह भी सकते हैं, कोई बड़ी बात जब वो नहीं है। हमने बुक्स को लेकर के और दूसरी चीज़ों को लेकर के मनसुख से जो बातें की, और इन्होंने बताया कि ओरिजिनल टेक्स्ट जो है पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब उनसे ये पूछा गया कि क्लास और टेस्ट जो है उन दोनों में से जो कौन सी चीज़ है वो ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट समझते हैं, तो इन्होंने बताया कि दोनों ही जो है वो अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। ये सारी बातें हमने की और आप निश्चित तौर पर जो है वो आपको इस इंटरव्यू के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, हमारे इस डायलॉग के माध्यम से ज़रूर जो है वो कोई आपको बात जो है वो पता चली होगी, है ना। आपको बुक्स को लेकर के या नोट्स को लेकर के आपके मन में अगर जो बातें हैं तो वो डाउट्स हैं तो वो दूर हुए होंगे। हम इस तरह के इंटरव्यू करके आपके बीच आते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।